नमस्कार, स्वागत आप सभी का वेदर अपडेट के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और जानेंगे कि आज दिल्ली का मौसम कैसे रहने वाला है और दिल्ली एनसीआर के साथ साथ बाकी इलाकों में कैसा मौसम देखने को मिलेगा, आज क्या तापमान रहेगा और पहाड़ों पर बर्फबारी कितनी हो रही है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे इस खास पेशकश के अंदर। तो दिल्ली एनसीआर के लोगों की सोमवार की सुबह वायु प्रदूषण और ठंड में इजाफा होने के साथ हुई है। सोमवार सुबह ज्यादातर इलाकों में धुंध छाई रही जिसके चलते विजिबिलिटी 1 से 2 किलोमीटर तक चली गई। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का पूर्वानुमान है कि दिल्ली एनसीआर में सोमवार को दिन भर मौसम साफ और शुष्क रहेगा और यह स्थिति अगले कुछ दिनों तक ऐसी ही बनी रहेगी। मौसम विभाग का यह भी पूर्वानुमान है कि सोमवार को 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और 2 दिन बाद दिल्ली एनसीआर में बादल छाए रहने का भी अनुमान है, जबकि उत्तर भारत में भी मौसम साफ और शुष्क रहेगा। पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी की संभावना है, ऐसे में दिल्ली एनसीआर में ठंड में इजाफा होता रहेगा। इससे पहले रविवार को दिल्ली एनसीआर में तेज हवा के बीच दिन भर हल्की धूप खिली रही। अधिकतम तापमान सामान्य स्तर पर 29.1 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य स्तर पर 14.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था और हवा में नमी का स्तर 36 से 91% रहा था। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार यानी आज के दिन आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इस बीच आज सुबह कोहरा भी रहा लेकिन धूप निकलने से इसका असर कम हो जाएगा। आज सोमवार के दिन दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों में अधिकतम तापमान 29 और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को सफदरजंग और पालम दोनों एयरपोर्ट पर हवा की गति 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रही थी। बाद में हवा की गति धीमी हुई थी और दृश्यता 1200 से लेकर 2200 मीटर तक दर्ज की गई थी। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि आज सोमवार की सुबह जो हुई है दिल्ली में वह धुंध और काफ़ी ज़्यादा वायु प्रदूषण के चलते हुई है। वायु प्रदूषण तो खैर इसलिए भी देखने को मिला है क्योंकि त्योहारी सीज़न था, लोगों का आना जाना ज़्यादा लगा रहा, बाइक से गाड़ियों से ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल ज़्यादा किया गया और दूसरा पटाखों का धुआं और कुछ धुंध भी है जिसकी वजह से जो विजिबिलिटी है थोड़ी कम होती हुई नज़र आई है। और बाकी पहाड़ों पर जो बर्फबारी हो रही है उसकी वजह से दिल्ली की ठंड में इजाफा हो सकता है और अभी कुछ दिन तक दिल्ली का जो मौसम है साफ और शुष्क ही बना रहेगा और ठंड में इजाफा देखने को मिलता रहेगा। तो फिलहाल अभी के लिए वेदर अपडेट में बस इतना ही, लेकिन आपका एंजॉय का नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यही बना रहेगा मांगे नाम सी पर।